अस्सलाम वालेकुम ये टूल है जो कि पिक्चर्स को थ्री के थ्री मॉडल्स के अंदर कन्वर्ट करता है मुझे ई मेल आई थी सो आई डिसाइडेड टू टेस्ट इट वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ये टूल कहता है कि आप सेल्फी अपलोड करें या फिर यू के ज़रिए अपने इमेज को दें या फिर ब्राउज इमेज कर लें तो हम इस वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाते हैं ब्राउज़ इमेज के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पे मैं फवाद खान की पिक्चर अपलोड कर देता हूँ लेफ्ट से किस तरह का मॉडल बनाता है हम जनरेट अवेटर के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये अब जनरेशन कर रहा है ये एआई आई बेस टूल है जो है। कि जी तो ये उसने ये ये रिजल्ट दे दिया हमें ये बना के दिया उसने आई थिंक काफी अच्छा रिजल्ट है नॉट बैड यार काफी अच्छा रिजल्ट है और इंटरेस्टिंगली इसने साथ इसमें ब्लेंड शेप्स भी बनाई हैं जिसको हम ब्लेंडर के अंदर शेप कीज कहते हैं लाइक अगर आप स्माइल कराना चाहते हैं तो वो देखें उसी तरह के एनिमेशन आपको सामने नज़र आएंगे आपने ब्लिंक करवाना है और इस तरह का कोई भी चीज़ करवानी है तो आप करवा सकते हैं तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है वैसे आ, नो डाउट कि इसके अंदर अगर उन्होंने ब्लेंड शेप भी डाली है तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त है साथ उन्होंने लिखा हुआ मॉडल इन्फो तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं उन्होंने उसने खुद ये चीज़ें डिटेक्ट की हैं मेल है ग्रुप एच वगैरह और स्किन कलर वगैरह और इस तरह की चीज़ें उसने सारी ख़ुद डिटेक्ट कर ली हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है हम ए आई बेस्ड टूल की अगर बात करें और वो ये सारे काम कर रहा है तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है हम इसको डाउनलोड करके चेक करते हैं हमारे पास इसने दो वर्जन दिए हुए हैंड वन पॉइंट टू और हेड टू पॉइंट ज़ीरो हेडफोन मोबाइल और दूसरा ये क्या चीज़ है हम दोनों को डाउनलोड करके चेक करते हैं डाउनलोड करने से पहले वो कहता है आपको साइनअप करना पड़ेगा सो लेट्स साइन अप साइन के अंदर आपको अपनी सारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह डालनी पड़ती है उसके बाद ये आपको डाउनलोड अलाउ करता है तो ये डाउनलोड इसने अलाउ किया लट्स इसमें क्या चीज़ इसने दी है कौन सा फॉर्मेट दिया हम देखते हैं जाके इसने एक पी फाइल दी है ओ बी जे दी है और इस तरह की चीज़ें दी हैं लस इसको हम ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट करके देखते हैं कि कितने पानी के अंदर है मैं यहाँ पे ब्लेंडर खोल लिया और यहाँ पे बाकी मैं सब चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे जाके इंपोर्ट के ऊपर जाएंगे और इंपोर्ट ओ बी जे ओ बी जे फाइल ये मॉडल हमारे पास यहाँ पर आ तो गया है इसमें देखते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर है कि नहीं है इसके लिए हम ब्लेंडर व्यू के ऊपर चले जाते हैं तो टेक्सचर भी इसके अंदर है ये देखें आप तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर वो टेक्सचर के साथ हमें मॉडल दे रहा है इसको लाइट अप करने के लिए मैं यहाँ पे इधर जाके इसको लाइट अप कर लेता हूँ तो ये हमारे पास मॉडल इस तरह का सामने आ रहा है तो इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं हम देखते हैं इसने साथ शेप कीस कोई दी है कोई नहीं दी सारे वर्टेक्स ग्रुप वगैरह कुछ शेप कीस वगैरह नहीं है इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे जो एनिमेशन वगैरह हो रहे थे वो हम ब्लेंडर के अंदर जाके ख़ुद से नहीं कर सकते वो हमें उसके ऊपर अपनी शेप की खुद से बनानी पड़ेगी ये तो एक था एक मॉडल हमने डाउनलोड करके देखा था और उसके बाद हम सेकेंड मॉडल के ऊपर जाते हैं यहीं पे ही ये वाला 2.0 पॉइंट वाला इसने इसको बिल्ड किया ये ख़ाली हेड है इसके अंदर ये चीज़ें इसमें सिर्फ खाली हेड है और इसमें आप हेयर्स का स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं तो हम इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे इसने ये टेक्सचर दिया हुआ है लाइक like, अगर आपसे टेक्सचर मिस हो जाता है तो तब भी आप इस टेक्सचर को यूज़ कर सकते हो तो एटलीस्ट हमारे पास ये चीज़ है कि वो दोनों फाइल्स के अंदर साथ हमें टेक्सचर दे रहा है जो कि हमारे लिए बहुत काम का एज ए थ्री आर्टिस्ट हमारे लिए बड़े काम के इसमें भी देखें इसने साथ ये टेक्चर दिया हुआ है यहाँ पर ये पूरा टेक्स्चर दिया हुआ है तो हम दूसरे वाले मॉडल को लेके जाते हैं और इस वाले मॉडल को भी ब्लेंडर के अंदर इम्पोर्ट करते हैं उससे पहले मैं यहाँ पर एक नया ग्रुप बना लेता हूँ न्यू कलेक्शन के अंदर जाते हैं और इस वाली कलेक्शन के ऊपर इसको मैं हाइट कर देता हूँ और नई कलेक्शन के ऊपर जाके हम अब अब की दफ़ा हम इस पे यहां पे पर इम्पोर्ट करेंगे यहाँ पे ओ के ऊपर चले जाते हैं और ओ को इम्पोर्ट कर लेते हैं तो ये चीज़ भी यहाँ पे ही आ गई थोड़ी सी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये है कि यार शेप की देते ना तो मजा आ जाना था तो ये दो मॉडल हैं आप ये देखें एक खाली हेड का है खाली आ, फेस का है और दूसरे के अंदर नीचे थोड़ा सा जो पिक्चर के अंदर जितना दर्द शामिल था पिक्चर के अंदर नीचे की बाकी जो चीज़ शामिल थी उसने उसको भी जनरेट करने की कोशिश की है तो, तो फाइनल वर्ड फॉर दिस ऑनलाइन टूल के यार एआई के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है कि वो बहुत ज़बरदस्त टेक्सचरिंग के काम हमें करके दे रहा है एज़ पर मॉडल हमारे पास जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें कम हैं बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मुझे जो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई थी वो ये थी कि आप इसमें किसी भी तरीके से आप इसको एनिमेट कर सकते हो लेकिन थोड़ा सा मसला ये है कि यार अब इस एनिमेशन को अगर मैं कहीं यूज़ करना चाहता हूँ अपने हिसाब से मॉडल के अंदर या फिर किसी भी तरीके से तो मैं यूज़ नहीं कर सकता हाँ मैं इसकी स्क्रीन को यहाँ पे कैप्चर करके तो यूज़ कर सकता हूँ लेकिन किसी और तरीके से नहीं यूज़ कर सकता ये इस तरह के एनिमेशन एक क्रेजी टॉक करके एक सॉफ्टवेयर आता था उसके अंदर भी ये होती थी तो उस हिसाब से ठीक है और इसके अलावा आपको बहुत अच्छा ये फेस का टेक्स्चर बना के दे रहा है अगर आप चीज़ों को टेक्स्चर करते हैं चीज़ों को टेक्स्चर्स कर टेक्स्चर के ऊपर लेके जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप आपके पास टेक्स्चर्स बने बनाए आपको मिल जाते हैं लाइक like आप इस मॉडल को अगर देखते हैं तो ये मॉडल इस तरह से है और हम अगर इसको टेक्स्चर के साथ देखते हैं तो ये इस तरह से आ रहा है और हम लास्टली इसको साइकिल के ऊपर भी देख लेते हैं तो साइकिल्स के ऊपर और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें नज़र आएगा ठीक है इसके ऊपर ये जो दाढ़ी वगैरह है जो इस तरह की चीज़ें हैं ये चीज़ें हमारे पास मैश में शामिल होती हैं लेकिन उसने इसको टेक्स्चर करके दिया है जिसका सिंपली मतलब ये है कि अगर किसी भी मॉडल आपने ऐसा मॉडल बनाना है जिसकी दाढ़ी बड़ी है तो वो हम इस टूल से नहीं बना सकते हाँ उसकी बाकी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी लेकिन दाढ़ी और मूछे अगर किसी की बड़ी हैं तो वो आपको खुद से बनानी पड़ेगी तो ये छोटा सा रिव्यू था इस टूल के ऊपर खेलने के लिए टूल बहुत अच्छा है तो आप इसके ऊपर खेलें मज़ा आएगा आ, ट्रायल वर्जन इसका फ्री है लेकिन आपको अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है वो आप डाल लें और जब आपको लगे कि ये आपके ये टूल किसी काम का नहीं है तो आप कैंसिल कर सकते हैं किसी भी टाइम के ऊपर तो नेक्स्ट वीडियो में हम होगी अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़